कि आप इन सिद्धांतों को सब जानते हैं लेकिन आचरण में नहीं हो पाता। जैसे अभी आपके रूम को देखने चले जाए ना, यहीं से चले जाए हम, एक बार आपका रूम देखने चलते हैं, तो आपको पता लग जाएगा कि आप कितने सिस्टमेटिक हैं। कोई विद्यार्थी कितना अच्छा पढ़ाई कर रहा है वो उसके रूम में एक बार देखने जाने से पता लग जाएगा। पहले मैं ये काम करता था, और जबकि हम किसी भी स्टूडेंट के पैसे पूछते कहाँ रहते हो, कहाँ वहां कहाँ रह रहे हो, सारा पता ले लिया और एक दिन आगे जाके घंटी बजा दी। अब इमीडिएट तो सही नहीं कर सकता ना रूम को, तो वहां हम ये देखते थे कौन सी चीजें कहाँ रखी हैं, कहाँ कपड़े रखे हैं, कहाँ ये। अब आप सोचोगे कि इससे सफलता असफलता का क्या मतलब है? पूरा मतलब है आपकी समग्र ऊर्जा को पी जाते हैं आपके नॉन सिस्टमेटिक व्यवहार। आप थक जाएंगे, आप अपने ही कमरे में थक जाएंगे, क्योंकि चीजों की भी एक अपने तरह की ऊर्जा होती है, हर एक चीज की, छोटे से छोटे पिंड की, एक सुई की भी। और जो चीजें सिस्टमेटिक नहीं होती हैं तो वो आपको आपके कमरे में थका देंगी, पता नहीं यार अच्छा नहीं लग रहा था, और कई जगह दूसरी जगह पर जाएंगे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा क्योंकि चीजें सिस्टमेटिक हैं। वहां जहां आपके अंडरवियर बुनियान रखते हो वहीं रखे रहने चाहिए, जहां आपका टावल रखा जाता है वहीं रखा रहना चाहिए, जहां आपके जूते रखे जाते हैं वहीं रखे जाने चाहिए। मतलब मस्तिष्क को इस चीज में ऊर्जा खराब करने पर और समय खराब करने पर नहीं लगाना चाहिए। अभी तो क्योंकि मैं एग्जाम की इनकी कोई तैयारी नहीं कर रहा हूं, लेकिन जब मैं एग्जाम की तैयारी करता था तो आप मेरी आंख पर पट्टी बांध दो और मेरे से कहो कि वो वाला बेरेक निकाल के दे दो, मैं वो वाला बेरेक निकाल के, मेरे वाले वो नोट्स दे दो, क्योंकि मुझे पता थी कि इस सीक्वेंस में ये सब चीजें रखी। ऐसे नहीं कहीं पे घुसा दी, कहीं रख दी, फिर हम ढूंढते फिर रहे हैं कहाँ रखा है कहाँ रखा है, ऐसे नहीं। तो सिस्टमेटिक व्यवहार, आपकी आदत, आपका आचरण होना चाहिए। अभी ये इंस्ट्रूमेंट क्यों नहीं मिला? एक फिक्स जगह है वैसे इसकी, जहां से जाता है ये लैपटॉप भी रखा जाता है, एक जगह है फिक्स, वहीं रखे होता। आपके जीवन का हिस्सा होना चाहिए, ठीक है ना? तो आप आदत बना लेंगे, ये मान लो कि ये ऐसा मूल मंत्र है जो आपकी सफलता असफलता में 50% योगदान देता है, और 50% कितना ज्यादा है? बहुत ही ज्यादा है। जो लोग असफल नहीं असफल होते हैं उनके, और जो सफल होते हैं उनके कमरों में जाके देख सकते हो। कोई व्यक्ति कितना साफ सुथरा रहता है ये जानने के लिए उसके पैरों की एड़ियों को देख लो, पैरों की एड़ियां गंदी हैं तो वो गंदा ही है, साफ सुथरा नहीं रहता, पानी डाल के निकल आता है, अच्छे से स्नान नहीं करता, एड़ियां फट जाएगी तो क्रीम लेके आएगा, क्रैक क्रीम। फटेंगी क्यों? गंदगी भरती है ना तब फटती है। और कितना साफ सुथरा रहता है, किसी के बाथरूम को जाके देख लो तो वो कितना साफ सुथरा रहता है, तो ये पता लग जाएगा। और आप तो जुडिशियल अफसर बनने वाले हो, ये तो आपके गुण होने चाहिए, क्योंकि ये गुणों का सिलेक्शन है।